Эй, вы лица пасту, эй, пасту, пасту. Бешма, бешма. Канал полка, бачана, эй. Кайсан сот, бачана, эй. Канал полка, бачана, эй. Море сапе. Ишало. Ишало. Эй, пасту. Ишало. Ишало. Кайсан сот. इन्हीं चीजों के लिए तो हमें तब्दीली चाहिए। मैं अगर सुबह पैदल मार्च करने निकला हूँ, पूरे गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं पैदल मार्च करने जा रहा हूँ लोगों के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, और जो प्यार मुझे मिल रहा है लोगों से। मैं हल्का शालबुग में अभी हूँ, जहाँ से हमारा ये कारवां जा रहा है, और शेरपाथरी ब्लॉक से जो प्यार मिल रहा है माओं का, बहनों का, उस चीज से मैं बहुत खुश हूँ। लोगों का रेस्पॉन्स है, तब्दीली आनी चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ पे आज के टाइम पे भी 21वीं सदी है और डिजिटल इंडिया की बात होती है, नेटवर्क जो बुनियादी जरूरत है इंसान की, उस चीज से भी ये इलाका महरूम है। यहाँ पे कुछ घरों में मैं गया, आप यकीन नहीं मानोगे, बैठने के काबिल नहीं है वो, सोने की बात ही नहीं है और खाने की बात नहीं है। ये जो दावा करते हैं ये बिल्कुल खोखले दावा है इनके, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे आज तक हुकूमत की, चाहे PDP ने हुकूमत की, चाहे कोई और जमात है। मगर मेरा जो मानना है, मैं बुनियादी सहूलियतों पे ध्यान दूंगा, आवाम को सामने आऊंगा, जो उनके बुनियादी मसाइल है, जो उनके बुनियादी हकूक है वो उनको मिलनी चाहिए। जिन हकूकों की आज तक पामाली हुई है, जिन हकूकों को आज तक गांदरबल के बाशूर आवाम के हकूकों को दबा के रखा है इन ताकतों ने, जिन्होंने अपने बड़े बड़े साम्राज्य खड़ा किए हैं, और मेरा जो गरीब भाई है, मेरी कोई यतीम बहन है, वो शडू में, वो उनके लिए फर्श नहीं है बैठने के लिए। मैं चाहता हूं इस मुहिम में जो मैंने आज पैदल मार्च स्टार्ट किया है, असेंबली इंतखाबात में मैं हिस्सा ले रहा हूं, आने वाले इलेक्शन में बाल्टीन मेरा निशान है। मैं चाहता हूं इस कारवान में मेरे नौजवान भाई जुड़े। मैं बेरोजगारी जो गांदरबल में है उस चीज के बारे में निकला हूँ, मैं बुनियादी मसाइलों में। यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं नाला सिंध हमारे साइड में बह रहा है, इस पे जितने भी मकान बने हुए हैं उनको रोजमर्रा धक्के खाने पड़ते हैं। पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाने के लिए उनको पूरा जो है कि ताउन दिया, फिर उसके बाद आज उनको परेशान कर रहे हैं। इन गरीबों के लिए फिर रिहैबिलिटेशन का इंतजाम होना चाहिए, इन गरीबों को एक फिर कंपनसेशन मिलना चाहिए। हमें चाहिए हम इस पूरी इस मुहिम में सब इकट्ठे हो, और गांदरबल एक अवाम बाशूर अवाम यहाँ के अपने लोकल नुमाइंदे को चुने। मैं सबसे अपील करता हूँ, खासकर जो हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, जिनको कल मुस्तकबल का देखना है, हम किनको वोट देंगे? हम उन जमातों को फिर से क्यों वोट दे जिन्होंने हमें STF लाया, जिन्होंने टाडा लाया, जिन्होंने PSA लाया, जिन्होंने आज तक हमारे नौजवानों को जो कैद खानों में पड़े हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि सामने आओ, इस मुहिम में जुड़ो। आज अगर आप एक आम इंसान को मुझे मौका दे रहे हो अपनी खिदमत का, कल शायद आप में से जो आम इंसान है वो सामने आ सकता है और गांदरबल की आवाज बन सकता है।